मम्मी जय श्री कृष्ण। बोल क्या बात है। क्या बात है मम्मी, आप ऐसे? अबे शूं बताडू तने, उस छोटी कागड़ी ने तो मेरी बात लगा के रख दी है। एक मिनट, आपकी बात मतलब आपकी वो नाना? हाँ, उस छोटी कागड़ी ने एक नया नाटक शुरू किया है। खाने में वो क्या कहते हैं, क्या क्या बनाया उसने पता नहीं। क्या अच्छा मम्मी, पास्ता होगा। हाँ वही, और आज नाश्ते में सैंडविच। मुझसे नहीं खाया जाता ये सब। वाव, छोटी कागड़ी ने पास्ता और सैंडविच बनाया है। वाव वाव मत करा, एक तो वो सब देखकर मुझे वैसे भी उबके आ रहा है। और चल जवा दे, बोल क्यों फोन किया, कोई नई आफत क्या? मम्मी आप भी, मैं हमेशा अपना दुख सुनाने के लिए आपको फोन करूंगी क्या? हाँ, कभी हंसने के लिए, खुश होने के लिए भी तो फोन कर सकती हूँ। आप वो सब छोड़िए, देखिए जल्द से जल्द मोदी भवन आ जाइए। सब गोपी गवार की एडमिशन के लिए उसकी बारात लेके स्कूल गए हैं। हाँ? तो मोदी भवन खाली है 4-5 घंटे के लिए। शुभ बात करे जी दिख रहा। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। अच्छा सुनो, वो छोटी कागड़ी ने जो पास्ता बनाया है, उसे प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा पैक करके लाइए ना। मम्मी पास्ता का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। डफोर, हूँ यहाँ उबका ले रही छू और तेरे मुंह में पानी आ रहा है। नाम मत लेना उस जहर का। वैसे दिख रही, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, बहुत जोरों की। अच्छा ठीक है, आपके लिए मैं खाना यहाँ मणि से कह के बनवा लूंगी। हाँ। चलिए आप जल्दी यहाँ आ जाइए, मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राशि भाभी, इस्त्री वाला कपड़े लेकर आया है। मणि? अगर मणि ने मुझे स्ट्रेस में देख लिया और कागड़ी को बता दिया तो? मणि तुम ले लो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा मणि तू जा, नीचे जाके खाने का इंतजाम कर ले। लेकिन राशि भाभी, ये कपड़े आपने कहा था कि हाँ अच्छा, तो एक काम कर, इन्हें छाट के रख दे, अलग अलग कर दे, मैं बाद में जाके सबके कमरों में जाके उनके कपड़े रख दूंगी। ठीक है। ले, तेरे लिए लाई हूँ। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तेरे लिए उस छोटी कागड़ी की नजर से बचा के ले आई हूँ। उसने एक पड़ोसी के फ्रिज में रखी थी। हाँ, वैसे इसके लिए भी ये बेस्वाद फालतू चीज के लिए मेरे ही पैसे जाते हैं। मम्मी बात कहूँ, छोटी कागड़ी थे पास्ता तो बहुत अच्छा बना है। तू मेरा मगज मत खराब कर उसकी तारीफ कर करके। हाँ ऐसे राशि दिख रहा, ये आज तूने साड़ी कैसे बांध दी है? अजीब तरीके से बांधी है। ला, मैं तुझे बांध के देती हूँ। राशि भाभी, मुझे भी लगा। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। अब मणि एक काम कर, जरा वो रिमोट देना। अब आप तो जा, मैं ये देख लूंगी। ठीक है। क्या हुआ? एक मिनट, क्या है दिख रहा? मी? हाँ। एक मिनट, अरे क्या कर रही है राशि दिख रहा? मम्मी देखो मेरा नया अवतार। धिम धिम तारा ना ना, धिम 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 तारा ना ना, धिम 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 धिम
करे, इतनी बड़ी सैंडल। मम्मी एक फराक नहीं होता, ड्रेस बोलते हैं इसे, ड्रेस। मैं स्विट्जरलैंड से लाई थी, अच्छी है ना। वैसे यहाँ पहनने का मौका ही नहीं मिला तो सोचा आज पहन लूं। मैं भी कुछ अलग पहन के आती ना, मुझे पता होता तो। मम्मी ये ड्रेस आप पे अच्छी नहीं लगेगी। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, अरे वो मैंने लिया है ना वो जॉगिंग सूट, वो पहन के आती। उसमें भी आप अजीब ही दिखती। हाँ? मम्मी आपने मेरी नई साड़ी देखी? एक मिनट। साड़ी कहाँ गई? अरे वाह कितनी सुंदर है। मम्मी आप इसे हाथ मत लगाओ। क्यों? देखिए ये कागड़ी की नई साड़ी है, अभी तक उन्होंने पहनी भी नहीं। देखिए अभी फॉल लग के आई थी, अब धुल के और स्त्री होके आई है। वैसे राशि दिख रहा, तू और जिगर मिलके मुझे ऐसी साड़ी क्यों नहीं देते? एक कलाकारी मगज में आवी छे। क्या मम्मी? देखो तुम्हारी मम्मी का नया अवतार, कैसी लग रही हूँ मैं? मम्मी अब आपने साड़ी पहन ली ना, ठीक है अब उतार दीजिए। देखिए अगर कागड़ी की साड़ी को कुछ हो गया ना तो मेरी तो मौत। मम्मी प्लीज प्लीज इसे उतार दो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। राशि ये क्या तरीका हुआ मुझसे बात करने का? हाँ हाँ ये ठीक है, मैं कागड़ी हूं और मेरी वो गोपी गवार, और इसका ये मतलब नहीं कि तू मुझे कुछ भी सुनाने लगे, समझी गया? ओ जी माँ जी। ने गोपी वाओ तुमने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से लॉक कर दिए? जी माँ जी। वो क्या है मैं गोपी गवार हूँ ना तो मुझे ऐसे फालतू काम तो याद रहते ही है। हाँ ये सच है कि तुम गोपी गवार हो और गवार ही रहोगी। मम्मी मुझे एक बात बताओ, अगर उस गोपी गवार को स्कूल में सच में एडमिशन मिल गया तो? तू पागल थे गई चकेशु, वो बच्चों का स्कूल है, वहाँ इतनी बड़ी ढांडी को कोई दाखला थोड़ी देगा। देखना उसका वहाँ ऐसा मजाक उड़ेगा कि रोती सुबकती घर वापस लौट आएगी। हाँ मम्मी काश आप जैसा कह रहे हो वैसे ही। तू घबरा मत दिकरा, ऐसा ही होगा, पूरी कहानी सुनने में बड़ा मजा आएगा।